हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ता पिज़्ज़ा की रेसिपी। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। आपने हर तरह के पिज़्ज़ा खाए हैं, एक बार ये पिज़्ज़ा भी बनाकर देखिए। ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे तो ये सुनकर ही खुश हो जाते हैं कि पिज़्ज़ा बन रहा है और साथ में पिज़्ज़ा है, पास्ता है, तो बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा है। आप ये पिज़्ज़ा घर पर ज़रूर बनाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पास्ता पिज्जा बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ये 2 कटोरी मैदा ले लिया है। इसको हम एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, उतना ही 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। और ये 1/2 कटोरी दही ले लिया, उसको भी इसी में डालेंगे। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब ये सारी चीजें हम एक साथ मिला लेंगे। देखिए, ये सारी चीजें अच्छे से आपस में मिल गई हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए, हमने एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा चिकना बना रहे। तो दोस्तों, इसको हम ढककर रख देते हैं। तब तक चलिए हम अपना पास्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पास्ता उबालने के लिए हमने देखिए 1 बर्तन में पानी रख दिया है। ये पानी लगभग हमारा खौलने वाला है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। देखिए, पानी हमारा अच्छे से खौल गया है। अब इसमें हम पास्ता डालेंगे, जिसके लिए हमने देखिए 250 ग्राम पास्ता ले लिया है। दोस्तों, अब इसे हम ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। और चलिए, तब तक उधर पास्ता बनाने के लिए हम कढ़ाई रख देते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म भी हो गया है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। इसको हमने बहुत छोटा छोटा चॉप किया है। इसमें हमने शिमला मिर्च काटी, उसको डाल देंगे। गाजर भी ले ली है, उसको भी डाल देंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। देखिए, इधर हमारा पास्ता भी बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम छान लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने 1/2 चम्मच से कम नमक लिया है, क्योंकि हमने पास्ता उबालने में भी नमक डाला था। इसमें हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हमने जो पास्ता उबाल कर रखा है, उसको डाल देंगे। दोस्तों, इसका पानी हम अच्छे से निकाल कर इसको छान लेंगे और एक साफ पानी से इसको धो लेंगे। हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। चलिए, इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। दोस्तों, देखिए, हमारा डो एकदम तैयार है इसका बेस बनाने के लिए। उससे पहले हम गैस पे 1 बर्तन रखेंगे नमक डालकर प्री हीट होने के लिए। तो देखिए, हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। ये नमक हमने कई बार यूज किया है, इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और उसको ढक देंगे। तो चलिए, इसका हम बेस बना लेते हैं, जिसके लिए हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे आटे के।
तो दोस्तों देखिए हमारा पिज्जा बेस बनकर तैयार है। इसका बेस दोस्तों हमें इतना मोटा रखना है। अब चलिए हम इसको ट्रे में रख लेते हैं जिसमें हमें इसको बेक करना है। दोस्तों देखिए हमने पिज्जा बेक करने के लिए ये प्लेट ले ली है, इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब हम इसमें ये रख देंगे। अब इसमें हम पिज्जा सॉस डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो हमने पिज्जा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले पास्ता लगाएंगे। इसको हम अच्छे से दबा देंगे इसमें। अब हमने थोड़ी ये सब्जियां काट ली, इनको भी इसमें लगा देंगे। ये टमाटर हम लगा देंगे, फिर शिमला मिर्च। आपको जैसे भी स्पेस मिले वैसे आप लगा सकते हैं, या जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, तो दोस्तों देखिए मैंने सब्जियां लगा दी हैं। सब्जियां आप अपने मन की भी डाल सकते हैं इसमें। अब हमने थोड़ा ये मोजरेला चीज ले लिया, इसको डाल देंगे। इसको हमने ग्रेट करके ले लिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा हम ऑरिगैनो डाल देंगे। देखिए हमारा पिज्जा बेक होने के लिए एकदम तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसको उस बर्तन में रख देते हैं जो हमारा प्रीहीट हो गया है। तो देखिए हमने इसमें इसको सेट कर दिया है। अब इसको ढक के हम पकाएंगे। तो दोस्तों 25 मिनट हो गए हैं। अब चलिए इसको हम खोल करके चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों देखिए हमारा पिज्जा एकदम बनकर तैयार है। अब इसको हम इसके बाहर निकाल लेंगे। और ये पिज्जा को हमने बहुत ही मीडियम फ्लेम में पकाया है। दोस्तों देखिए हमारा पिज्जा कितना अच्छे से पककर तैयार हुआ है। ये देखिए आप इसको नीचे से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हम काट लेते हैं। तो ये पिज्जा आप घर पर जरूर बनाइए, खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, उनको बहुत पसंद आने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।